असलकुम क्या हाल चाल है उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ सो so, एन वाई एक्स ब्रांड के लिए नेक्स्ट कैले ब्रांड का मैं डीवी फिनिश फाइन सेटिंग स्प्रे का रिव्यू लेके आई हूँ जो हम इस पे रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है सो so, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर डालें फिर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो चलें हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं एन वाई एक्स या नेक्स्ट ब्रांड का डेवी या डिवी फिनिश स्प्रे सेटिंग पे जो कि क्लेम करता है कि ये लाइट वेट वाटर बेस्ड सेटिंग स्प्रे है जो कि आपके मेकअप को डेवी लुक देगा ठीक है जी तो पहले हम देख लेंगे डेवी लुक होता क्या है जब हम पाउडरी फॉर्म के पाउडरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने फेस पे तो हमारा फ़ेस लाइक पाउडर पाउडर जैसा हो जाता है तो जब हम ये अप्लाई करते हैं तो ये हमारे सारे फेस को क्या करेगा एक डेवी लुक देगा यानी कि मॉइस्ट और हाइड्रेट और स्मूथ लुक दे देगा ठीक है जी तो इस तरह से इसकी बोतल आती है एक प्लास्टिक बोतल है जहाँ पे इसकी प्लास्टिक की केप है इसके ऊपर से और ये एक स्प्रे बोतल है ठीक है जी स्प्रे आपने इसका किस तरह से करना है आपने इसका सिक्स इंच से की दूरी पे आपने इसको स्प्रे करना है पहले शेक करके फिर स्प्रे करना है और अब इसके कौनस और प्रोस पे आ जाए तो एक तो ये है कि ये जल्दी आपका क्विक ड्राई हो जाता है सो ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग भी लगा और जो ये क्लेम करता है कि लाइट वेट है तो लाइट वेट भी ये है वाटर बेस्ड तो हमने देख लिया इसको स्प्रे करके ये वाटर बेस्ड ही है और दूसरा ये कि इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना आपकी स्किन एक ग्लोई लुक दे देती है एक डी मतलब अगर कहें कि डी वी लु ज़रूर दे देती है लेकिन ये मैं आपको जो है रिकमेंड ऑयली स्किन के लिए नहीं करूँगी नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल इसको कर सकते हैं सो so ये था आज का रिव्यू अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए रखिएगा मुझे दुआओं में याद और सपोर्ट ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिएगा ठीक है जी तो मैं नीचे आपको इसको लिंक भी दे दूँगी तब तक के लिए रखिएगा मुझे याद अल्लाह हाफिज़